हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हर्ष पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अधिगम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिगम चैप्टर की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें बाल विकास आती है, तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अधिगम चैप्टर। इस वीडियो से या कह सकते हैं इस टॉपिक से आपको 3 से 4 अंक अवश्य मिलेंगे, चाहे आप सीटेट दें, टेट दें, बीएड दें या डीएलएड दें, कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें बाल विकास पूछा जाता है, तो अधिगम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अधिगम चैप्टर को अच्छे से तैयार करने के लिए वीडियो को पूरा देखेगा, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको समय समय पर नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए अधिगम चैप्टर को। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिगम का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में, और उसकी विशेषताओं के बारे में, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर अधिगम। देखिए, जो अधिगम है, अधिगम का संकुचित शब्दों में अर्थ होता है सीखना, या कह सकते हैं अधिगम का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है सीखना। लेकिन जो हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि अधिगम का व्यापक शब्दों में अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। कह सकते हैं व्यापक शब्दों में अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन किसके माध्यम से होना चाहिए? 3 चीजों के माध्यम से होना चाहिए, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, यानी अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाता है अधिगम। ये होती है आपकी परिभाषा। कह सकते हैं कि व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से जो स्थायी परिवर्तन होता है, वो आपका होता है अधिगम। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं कि अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे आप जब छोटे होते हैं, आपको ABCD गिनतियां और हिंदी वर्णमाला अभ्यास कराई जाती है, आप रोज पढ़ते हैं, रोज लिखते हैं, तो इतना अभ्यास कर लेते हैं कि आपके व्यवहार में जो है स्थायी परिवर्तन हो जाता है, आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या हो गया, आपका अधिगम होता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण के माध्यम से आपको कोई क्लास दे दी है, आपको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया पढ़ाने का, तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब आपको प्रशिक्षण मिल जाता है, जैसे BTC प्रशिक्षण, BEd प्रशिक्षण मिल जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ा लेते हैं। ठीक है, और अनुभव के माध्यम से, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई छोटा सा बालक होता है या छोटा सा बच्चा होता है, जब वह जलती हुई मोमबत्ती या कैंडल को, कह सकते हैं इंग्लिश में कैंडल कहते हैं, तो मोमबत्ती को देखता है, तो कोई बच्चा जब छोटा होता है, अगर उसे कोई नई चीज दिखती है तो उसे छूता है, तो जैसे ही कोई बच्चा कैंडल के पास जाता है, तो उसकी जो लौ होती है, यानी जो जलती हुई लौ होती है, उसको छूता है, जब वह छूता है तो जल जाता है, तो उसे अनुभव प्राप्त होता है। तो अनुभव के माध्यम से भी जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो कह सकते हैं अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन आपका क्या होता है, अधिगम होता है। तो ये होता है आपका अधिगम का अर्थ। अब जानेंगे इसकी परिभाषाओं के बारे में, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको एक बार में याद हो जाएगी, मैं ऐसी आशा करता हूं, और कभी नहीं भूलेंगे आप। जैसे ही कोई एग्जाम में आएगा, ये परिभाषा है, आप ऑप्शन देखकर जो है लगा देंगे। तो शुरू करते हैं परिभाषाओं को भी। पहली परिभाषा है, उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या परिभाषा है? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना है आपका अधिगम। अनुक्रिया इंग्लिश में रिस्पॉन्स, तो मान लीजिए ये क्या है, आर। ठीक है, उत्तेजना यानी उत्तेजक, उद्दीपक, तो उत्तेजना हो जाती है आपकी स्टिमुलस, एस।
ठीक है, आपको पता है एस आर थ्योरी किसने दिया है, किसने दिया है, थार्नडाइक महोदय ने। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, थार्नडाइक की। जैसे ही परिभाषा आती है कि उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उससे उत्तेजना से जोड़ना अधिगम कहलाता है, आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए अनुक्रिया और उत्तेजना। तो ये परिभाषा किसकी होगी, थार्नडाइक महोदय की। अगली परिभाषा है हम करके सीखते हैं, तो ये किसकी परिभाषा है, डॉक्टर मिस की। डॉक्टर मिस कहते हैं हम करके सीखते हैं, मिस यानी जहां हम लोग खाना खाते हैं, क्या कुछ नए सीखते हैं वहां पर बैठ के, तो हम करके सीखते हैं किसने दी है ये परिभाषा किसकी है, डॉक्टर मिस महोदय की। अगली परिभाषा है अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन, क्या होता है आपका, ये होता है आपका अधिगम। क्या परिभाषा है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन आपका है अधिगम। ये परिभाषा किसकी है, रीली और लेविस की। रीली और लेविस की, ठीक है, आप जींस पहनते हैं, ली और लेविस की, ली और लेविस की आप जींस पहनते हैं, ठीक है। जब आपने ली कूपर यानी ली और लेविस की जब आपने जींस पहनी तो आपके व्यवहार में धारण करने योग्य परिवर्तन हो गया। जब आपने ली और लेविस की जींस पहनी तो आपके व्यवहार में धारण करने योग्य परिवर्तन हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। अगली परिभाषा है सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, ये किसने कहा है, ये कहा है अंडरवुड ने। किसने कहा है, अंडरवुड ने। अंडर माने क्या होता है, नीचे, वुड माने क्या होता है, लकड़ी। तो लकड़ी के नीचे जब हम देखते हैं तो हमें नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती है। अंडर माने क्या होता है, नीचे, वुड माने क्या होता है, नीचे, सॉरी वुड माने होता है लकड़ी। तो जब हम लकड़ी के नीचे देखते हैं, लकड़ी के नीचे देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती है। इस तरीके से जोड़कर आप याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है सीखना। ये परिभाषा है ई ए पील की, ठीक है, ये परिभाषा दी है ई ए पील ने। क्या परिभाषा है, अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो होता है सीखना। तो परिभाषा है ई ए पील की, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। देखिए जो परिभाषाएं हैं एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मान के चलिएगा एक से दो नंबर की परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। तो अगली परिभाषा देखते हैं, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। मुझे देखिए जो परिभाषाएं याद है ट्रिक के माध्यम से याद है, कोई भी परिभाषा मैं रटता नहीं हूं, केवल परिभाषा में कीवर्ड ढूंढता हूं और परिभाषा एकदम फ्लैश हो जाती है कि ये परिभाषा इसकी है। तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या है सीखना। देखिए व्यवहार एक आदमी है आपका और व्यवहार दूसरा आदमी है, ठीक है, इन्होंने आपस में क्या की, मारपीट की। गिल माने मान लीजिए, गिल माने होता है गला, फोड़ माने होता है फोड़ना। व्यवहार व्यवहार नाम के दो व्यक्ति आपस में लड़े और एक दूसरे का गला फोड़ दिया, फटाक से याद आ जाना चाहिए। तो अगली परिभाषा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना सीखना है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही सीखना है। नवीन एक है, दूसरा नवीन जो है आपका वो बेंच है। वुड माने क्या होता है, लकड़ी। वर्थ माने क्या होता है, बैठने की। आपने देखा होगा लकड़ी की बर्थ ऐसे बनी होती है गार्डन में, ठीक है, उस पर आप बैठते हैं। अगर सीखने के परिवेश में या परिप्रेक्ष्य में परिभाषा पूछी जाती है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना, तो वो होता है किसका, वुडवर्थ का। इसको कैसे याद करेंगे, नवीन, एक नवीन लड़का था, ठीक है, वो नवीन वुड की बर्थ पर बैठा, ठीक है, मतलब एक नवीन लड़का नवीन
लकड़ी की बेंच पर बैठा। इस तरीके से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको परिभाषाएं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर जो है आपको मिल जाएगा इसका नोट्स। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होती है परिभाषा किसकी? वुडवर्थ महोदय की। और एक परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी, वुडवर्थ ने एक परिभाषा और दी थी। उन्होंने कहा था सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने। एक परिभाषा और है स्किनर की, स्किनर ने कहा है सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मान लीजिए होता है उतर जाना। स्किन में त्वचा, पता है आपको होता है स्किन त्वचा। और जब आपके पैरों की स्किन उतर जाती है तो आप अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी परिभाषाएं हैं। जैसे एक परिभाषा है क्रो एंड क्रो की है। परिभाषा है सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अध्ययन है। अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये पुरानी परिभाषाएं हैं, मैंने काफी बार याद कराई हैं आपको। क्रो मींस क्या होता है? कौवा। और उसकी आदत ज्ञान और अभिवृत्तियां कैसी होती हैं? बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही चतुर वाली होती हैं। तो जैसे ही सीखना आदत और अभिवृत्तियां, मतलब सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो जैसे ही आदत ज्ञान और अभिवृत्तियां आता है तो किसकी? ज्ञान आदतें और अभिवृत्तियां अच्छी होती है, कौवे की। फटाक से याद आ जाना चाहिए। तो अगली परिभाषा है हमारी सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्या परिभाषा है? सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने कहा है? गेट्स व आने ने। इसको कैसे याद करेंगे कि गेट, गेट जो होता है हमारे विद्यालय का या कोचिंग का, उस गेट से, इस गेट से अंदर हमें पढ़ाने वाला कौन आएगा? जो अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे ही आपको दिखाई देता है अनुभव तथा प्रशिक्षण यानी गेट, गेट से कैसा आदमी आएगा? अनुभवी तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ। तो ये होती है अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये दिया है क्रॉनबेक ने। देखिए, अनुभव के परीक्षा परिणाम को सुनकर कान बेक हो गए, यानी कान, कान जो कान सुनने वाले कान होते हैं, बेक मतलब फट गए। तो अनुभव के परीक्षा परिणाम को सुनकर सभी के कान ब्रेक हो गए। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है। प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। यह दिया है मार्गन तथा गिलीलैंड ने। मार्गन में गन आता है, लैंड माने क्या होता है? भूमि। तो गन से प्राणी की भूमि पर धारण हो गए, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी।
तो इस प्रकार से हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। जब भी आप कोई परिभाषा याद करते हैं, चाहे वो अधिगम का चैप्टर हो चाहे अन्य कोई चैप्टर हो, कीवर्ड से याद करेंगे तो गारंटी देता हूं कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और एक बार अगर आप कीवर्ड से याद कर लेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। कोई भी परिभाषा पढ़िए, कीवर्ड से पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो ये होती है परिभाषाएं। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए, जो सीखना है या अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी देखिए, बालक जब गर्भाशय में होता है, ठीक है, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही वो जन्म लेता है वो सीखना शुरू कर देता है अपने माता पिता से, समाज से। फिर जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वह सीखता रहता है। तो सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यानी सीखना केवल मानव ही नहीं करता है, प्राणी जीव जंतु सभी सीखते हैं। तो इसीलिए सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। अगला है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपको मैंने अभी बताया था। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखने से ही तो हमारा विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो सीखने से ही हमारा विकास होता है। अगला है अनुकूलन की प्रक्रिया। देखिए, सीखना जो है यानी हम किसी परिस्थिति में कैसे रहेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है तभी तो हम किसी परिस्थिति में अनुकूलन कर पाते हैं। तो सीखना जो है अनुकूलन की प्रक्रिया है, फटाफट याद रखिएगा। सीखना खोज करना है। सीखना क्या है, खोज करना है, अन्वेषण करना है, ठीक है। तो जब सीखते हैं तो कुछ ना कुछ नया खोजते हैं। तो सीखना जो है खोज करने की प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। देखिए, हम कोई चीज जब सीखते हैं जब हमारा कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के तो हम अपने बिस्तर से नहीं उठते हैं, ठीक है। तो जब हमारा कोई उद्देश्य होता है, मान लीजिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमें जॉब करनी है, तो हमें क्या है, सुबह भैया नहा धो के स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो जॉब चली जाएगी। तो सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब हमारा कोई उद्देश्य होगा तभी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। सीखने से सामाजिक और मानसिक विकास होता है। सीखना जो है विवेकपूर्ण होता है। जब हम सीख जाते हैं किसी काम को करने से तो हम विवेकी हो जाते हैं, यानी निपुण हो जाते हैं किसी काम में। तो सीखना जो है विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये थी कुछ विशेषताएं, एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। अगला है प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को कौन सी चीजें प्रभावित करती है, अवप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर आप देखिए एकदम पड़े हुए हैं आलसी आलसी तरीके से, आपके पापा या मम्मी आते हैं, जब आपको अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बेटा उठो, ठीक है, और पढ़ते रहो और आप जो है अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। तो मोटिवेशन जो है सबसे ज्यादा अभिप्रेरित, यानी मोटिवेशन जो है अप्रेरणा सॉरी अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आप इसी वजह से मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए संदीप महेश्वरी के वीडियो देखते होंगे ना, तो मोटिवेशन जो है अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, अधिगम यानी सीखना जो है शारीरिक तथा मानसिक विकास द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। अगर आपका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, अगर आपका विकास अच्छे से हुआ होगा तो आप सीख पाएंगे, ठीक है। अगला है इच्छा, सीखने की इच्छा। देखिए, आप क्लास में बैठे हैं, चाहे आप छोटे से बालक हो चाहे आप अभी जिस एज में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा होगी तो वीडियो देखेंगे, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो वीडियो छोड़ देंगे। तो सीखना जो है आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इच्छा जो है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। समय व थकान, एक समय होता है जब आप सीखना भूल जाते हैं, ठीक है। जब समय होता है, मान लीजिए 24 घंटे हैं, 20 घंटे आपने काम किया, फिर आपको सोना भी तो है, तो समय होना चाहिए ना सीखने के लिए। तो समय और थकान, अगर आप थक जाएंगे तो आप नहीं सीखेंगे। तो समय व थकान जो है प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा, कुंठा भगनाशा ये सब चीजें आप पर अगर हावी नहीं होगी तो जो है आप अच्छे से काम कर लेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है आपको प्रभावित करता है। तत्परता, सीखने की तत्परता। थंडाइक ने प्राथमिक नियम दिए थे तीन, तत्परता का नियम, प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम। तो तत्परता जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है सीखने को। अधिगम की विधियां, अगर जटिल होंगी
तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो अधिगम की विधियां भी प्रभावित करती है वातावरण। अगर हमारे क्लास का वातावरण कैसा हो, ये अंधेरा अंधेरा हो, आपको कमरे में बिठा दिया जाए और बंद कर दिया जाए चारों तरफ से, आप सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। तो वातावरण जो है प्रभावित करता है अधिगम को, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अधिगम को जो प्रभावित करता है अध्यापक, बहुत अधिक प्रभावित करता है अध्यापक। अगर अध्यापक चाहे तो बच्चे सीख सकते हैं, अगर नहीं चाहेगा, उन्हें आतंकवादी बनाना चाहे तो आतंकवादी बना सकता है, ठीक है। तो अध्यापक जो है वो बच्चों को कहीं भी कुछ भी बना सकता है। और सीखने की प्रक्रिया, अगर अध्यापक सरल से जटिल की ओर पढ़ाएगा तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया अधिगम को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था अर्थ, विशेषताएं और परिभाषाएं और कारक। समाप्त होते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और समय समय पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ या आने वाली वीडियो की पीडीएफ आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।